बताओ भाई, अगर किसी को पार्ट वन में कोई डाउट है तो। पार्ट टू में जो भी डाउट है बोलते जाओ। एक्सरसाइज वन में सबसे पहले बताओ, अगर एक्सरसाइज वन में कोई डाउट है तो। पार्ट टू सर, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 100 नाइन सीधा 109, उससे पहले कोई डाउट नहीं है। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 इज आर, चलो ध्यान दो, अगर N2O5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। अब जैसे कि सोच के देखो, पांच ऑक्सीजन को प्लेस करना है, तो एक तो पॉइंट बताया था ना तुम लोगों को कि सबसे पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाते हैं, तो दोनों पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया, उसके बाद क्या करें? तो अभी भी हम लोगों को चार सॉरी तीन ऑक्सीजन बाकी है, तो एक ऑक्सीजन दिया, दूसरा ऑक्सीजन दिया, अब एक ऑक्सीजन बाकी तो सेंटर में डाल दिया, तो सेंटर वाला ऑक्सीजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा दोनों नाइट्रोजन के साथ। बट नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? नाइट्रोजन बोलते हैं मिली, एक नाइट्रोजन एटम कितने बॉन्ड्स बनाते हैं मैक्सिमम? पांच बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, पक्का? अरे ऐसा क्वेश्चन तो था ना ऊपर कि नाइट्रोजन वाला पार्ट NCl5 में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन तो दे ही रखा था ऊपर कहीं कहीं। ये 90 नंबर, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म इन F5। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी पांच होता है क्या? कॉपी में पलट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको याद रखना है, लेकिन कॉपी में पलट के भी देख के जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज धीरे धीरे याद होगा, लेकिन लेकिन इन सब चीजों को सीरियसली सोचने की कोशिश करो, सीरियसली पढ़ने की कोशिश करो, तभी याद हो पाएगा, और याद नहीं करेंगे तो सवाल नहीं सॉल्व होने वाला है। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी होता है तीन, मतलब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, तो तीन बॉन्ड तो बन चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक चीज सोचो, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन अपना तीन बॉन्ड बना चुका है। तो नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पांच में से तीन बॉन्ड में चला गया तो एक लोन पेयर बच गया, दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर बच गया। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पे कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो डोनेट करके हम लोग, किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, किसी मतलब किसी का पैसा है, सामने वाले को पैसे की जरूरत है तो डोनेट कर दिया। वही टाइप का चीज यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आराम से नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। सेम चीज दूसरे वाले केस में भी होगा, यहाँ वाले पार्ट पे भी हम लोग आराम से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब ऑक्टेट एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं है और एक एटम को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और जो एटम जो एटम ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पा रहा उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो एटम इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये N2O5 का स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकता है। मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 110 है, तो 110 में जैसे SO3 मॉलिक्यूल है, तो सल्फर वाला पार्ट सेंट्रल एटम, इसके अलावा तीन ऑक्सीजन वाला पार्ट है, तो इसका ये लेवल से स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सल्फर वाला पार्ट ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमको नहीं मालूम होता कि सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ जैसे सल्फर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से हम लोग जब एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन मिल भी गया, तो टोटल सल्फर पे 6 + 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सल्फर अपना ऑक्टेट अगर एक्सपैंड नहीं करना चाहता है, जबकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन में से दो बॉन्ड में चला गया, 4 बच गया, 4 का मतलब दो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर इधर गया, एक लोन पेयर इधर गया, मतलब स्ट्रक्चर में S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये SO3 का स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। समझ आया? एरो ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, जो ये तो हमने सबसे पहले दिन नोट किए थे कि जो एटम लोन पेयर डोनेट करता है वहां से एरो शुरू होगा, और जो एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वहां पे एरो खत्म होगा,
क्योंकि सबसे पहले दिन ऐसा मेंशन किए थे ना कि दो एटम्स है ए और बी, ए वाला पार्ट अगर लोन पे डोनेट करेगा तो ए से हम लोग एरो बी मेंशन करेंगे, इसी को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है, ए के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस चार्ज और एक सिंगल बॉन्ड। अब समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल है क्या यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं है। और कोई डाउट है बुकलेट टू में तो बताओ। जल्दी बोलो किसी को बुकलेट टू में अगर और कोई डाउट है तो। और किसी को कोई डाउट नहीं है बुकलेट टू में? चलो क्लास शुरू करते हैं फिर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें H2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर चुके थे, N2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट, HCl मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद फिर हम लोग, चलो ठीक है अगला हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, लेक्चर नंबर 7। एक मिनट, हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ के चल रहे थे तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे थे कि कोई भी एक एटम का प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हम लोग H2 मॉलिक्यूल लेके चले थे तो H2 वाले पार्ट में हम लोग का हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s, दूसरे हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था। अगर HCl मॉलिक्यूल लेके चले थे तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s, क्लोरीन वाले पार्ट का 3p ऑर्बिटल हम लोग के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। अगर O2 मॉलिक्यूल लेके चले थे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 2p और 2p ओवरलैप किया था और पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी 2p और 2p ओवरलैप किया था। बट अभी तक जो भी हम लोगों का ऑर्बिटल का ओवरलैप निकल के आया है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल का ओवरलैप एक चीज तो दिख रहा है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1s है या p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। लेकिन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट में क्या हो गया खुशी? जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली ये चीज कंसिडर करते हुए काम करते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। चलो आज बात करते हैं, मतलब पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको लिंक नहीं जा रहा, कॉल करके आज बात करते हैं तुमसे क्लास के बाद। तो उस केस में जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की जो बात करते हैं तो इस केस में हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐसा थियोरेटिकल कंसेप्ट मानते हुए चलते हैं कि जो भी एटम, जैसे मान लो सी एच फोर मॉलिक्यूल है, तो सी एच फोर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है कार्बन, जब ये कार्बन एटम मतलब जो सेंट्रल एटम है, जब ये सेंट्रल एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जा रहा होगा तो इस केस में हम लोगों का इस एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एटॉमिक ऑर्बिटल वाले पार्ट आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होके कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जो कंसिडरेशन लेके चल रहे थे उन कंसिडरेशन वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे थे कि हम लोग का प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये सब हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन अब हम लोग ये मानते हुए चल रहे हैं कि हम लोगों का प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है बॉन्ड में, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो मिक्सअप होके कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं। उन नए ऑर्बिटल्स, उन मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये पूरा कंसेप्ट जहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग की बात करते हैं, इस चीज को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोला करते हैं। कुछ कुछ पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद फिर कुछ कुछ और पॉइंट्स का डिस्कशन होगा, फिर ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कंसेप्ट बहुत ही इजी है,
थ्योरेटिकल पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले भी बता चुके हैं, बट फिर वापस से बताएंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हम जो तरीका बताएंगे वो तो आसानी से समझ में भी आएगा। तो इस केस में जैसे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट अगर कंसिडर करें तो सबसे पहला पॉइंट नोट करते चले जाओ, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अंकित आवाज आ रहा है? अंकित यस सर, बताओ इसका क्या मतलब होता है? तो व्हाट्सएप में चैट करने में लगा पड़ा है रे? नहीं सर। तो मैसेज आ रहा है तुम्हारे पास? सर यूट्यूब का था। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब? भूल गए सर। भूल गए सर? ऐसे बोल रहा है जैसे इंग्लिश का डिक्शनरी का सारा वर्ड याद करके बैठा हुआ, अब याद नहीं आ रहा। कभी कभी कोई हिंदी टीवी सीरियल देखा है? कोई भी हिंदी टीवी सीरियल उससे पहले ये वर्ड आता है कहीं पे देखा है, डिस्क्लेमर? बोलो जल्दी। कभी कोई हिंदी टीवी सीरियल नहीं देखा है? सीरियल नहीं देखे सर। अरे कभी घर में देख लिया होगा ना भाई, मम्मी देख रही होगा तो देख लिया होगा, पापा देख रहे होंगे तो देख लिया होगा, कभी नहीं देखा है सर? देखे। उसमें ये वर्ड कहीं देखा है, ये वर्ड डिस्क्लेमर? यस सर देखे। क्या होता है इसका मतलब? देखे सर पर पता नहीं क्या होता है। क्या तुम भी आदमी है, कुछ पता ही नहीं है। ये लेक्चर पूरी तरह से काल्पनिक है सर। मतलब उसमें ऐसा बोलता है ना कि इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा कहीं कोई तुमको दिखाई देता है तो उसको महज एक संयोग माना जाएगा। हाइपोथेटिकल का वही मतलब होता है, ये धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, ऐसा होता है कि नहीं होता नहीं मालूम, मान के चल रहे कि हम लोग होता है ऐसा और उसी के हिसाब से सारे कंसेप्ट को फॉलो करते जा रहे हैं। चलो नोट करते जाओ। According to this concept, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ गया सर। ओके हाँ सॉरी। According to this concept, the atomic orbital of the central atom undergoes mixing for the formation of new orbitals called as hybrid orbitals. Which forms bond. And this concept of mixing of orbital this concept
of mixing of orbital. Is called as hybridization. Aditya Kaushal, कहाँ था last class में? जब डांटने वाला सवाल पूछते तो जवाब ही नहीं देना होता किसी को. हम लोग कल जेई एडवांस का रिजल्ट निकला और रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, लास्ट ईयर से भी अच्छा रहा है. लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 लोगों का सिलेक्शन होगा इस बार, बट उसमें से 6 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ. और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनफैक्ट जो जिसका जेई मेंस में 99.01% आया है वो भी ड्रॉप कर रहा है. लोग भी बोला कि नहीं सर हम ड्रॉप करेंगे, हमको आईआईटी में ही जाना है. तो कल हमको लगता है कि सब लोगों का कॉल आया था, जिन लोगों से बहुत दिनों से बात नहीं है तो उन लोगों का भी कॉल आया था. सब लोग वही कि सर ड्रॉप लेना है क्या करें. तो हम लोगों से 2-3 सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल ये था कि अच्छा एक चीज बताओ कि 2 साल पढ़ने के बाद मेंस का एग्जाम दिया, एडवांस का एग्जाम दिया, बहुत जगह टेस्ट वगैरह भी दिए, कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुमको लगता है कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया हो? नहीं सर ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं था, सारा चीज हम लोग को पढ़ाया गया, कोई भी देख करके अननोन टाइप का चीज नहीं लगा. ठीक है, फिर गलती क्या हुआ, तुम लोग का नंबर क्यों नहीं आया? बोले सर प्रैक्टिस कम की है. पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब जो जिस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए था वैसा नहीं, केवल हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह गए और लाया किसी से काम हो जाएगा, केवल मेंस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह गए. वो जो 11 लोग है वो तो ड्रॉप कर ही रहे हैं, जो एडवांस में भी 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है, एक 18,000 रैंक आया है, 22,000, वो लोग भी ड्रॉप कर रहे हैं. और जिसका जी मेंस में मतलब अप्रोक्सीमेटली 99.01% मतलब बहुत अच्छा रैंक आया है वो भी ड्रॉप कर रहा है. और ड्रॉप करके कोई भी कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रहा, कोई भी किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रहा, बस सिंपली सब लोग हम लोग का टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट ज्वाइन करेंगे और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. क्योंकि उनको एक ही चीज रिलाइज, उन लोगों को हम पिछले 6 महीने से लगातार बोल रहे कि ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो, वो लोग नहीं सॉल्व किया. बहुत दिन से बोलते जा रहे कि ये असाइनमेंट इसको सॉल्व करो और टेस्ट पोर्टल पे आकर के दो, ताकि तुम्हारे टेस्ट हमको मालूम पड़े कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है. अभी जब पेपर सब लोग बिगाड़ लिया है, सब लोग कैलिबर में अच्छे हैं, सब लोग जेई एडवांस में आराम से सिलेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सब लोग पेपर अपना बिगाड़ लिया है. अब बिगाड़ने के बाद फिर हमसे पूछ रहे कि अब क्या करें. मेरा काम है तुम लोगों को सजेशन देना, हम तो सजेशन दे देते हैं, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे 2 साल का जब रिजल्ट खराब होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. आज एक उसका तुम्हारा स्कूल कौन सा था मिली सर? अनूप. नहीं नहीं तुम्हारा स्कूल कौन सा है? पेंटिकॉस्टल ना, उसमें निशा का नाम जानती हो तुम, जो तुम्हारा शायद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हां सर, थे था उसकी कैप्टन. हां तो निशा भी यही कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आज ही उसका कॉल आया था कि सर हम भी सोच रहे कि ड्रॉप करें लेकिन क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा. तो उसका भी सेम सजेशन कि ठीक है कॉलेज में एडमिशन लो, मतलब उसका बोर्ड में 95% है, 95.4% ऐसा टाइप का कुछ मार्क्स आया है, लेकिन बोल रहे कि सर बोर्ड का तो मार्क्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो बोले ये चीज़ हम 2 साल से समझा रहे थे कि बोर्ड के मार्क्स से मतलब नहीं होता है. हाँ बोर्ड में मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि 2 साल पढ़े तो बोर्ड में मार्क्स नहीं कैसे ला सकते, लेकिन 2 साल थोड़ी ना उसको दिमाग लगाना होता है. 2 साल अपना मेन्स एडवांस मार्क्स अच्छे से दिमाग लगाए, तो तुम लोग बस पढ़ते गए और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते गए, तुमको लगा कि हम पढ़ लेंगे तो हम बिल्कुल 10 बोर्ड के जैसा नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है. श्वेता का अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब श्वेता का आईआईटी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, देखते क्या होता है. अभी तो काउंसलिंग करने के लिए आएगी भी शाम में, यहाँ पे हम लोग ऑफिस आएगी और क्या काउंसलिंग में कैसे कैसे सीट्स वगैरह भरने उस चीज को हम लोग देखेंगे. हम लोगों का काम पढ़ाना नहीं, इस चीज को समझना पड़ेगा तुम लोगों को. क्लास एब्सेंट कर जाते हैं मुझे से लोग, मतलब इससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा आएंगे हमेशा चले जाएंगे, हम लोगों का टाइम अपना चलता जाएगा. लेकिन तुम्हारा 2 साल के बाद तुमको रियलाइज होगा कि अपना टाइम खराब हुआ, और टाइम एक बार निकल गया तो उसके बाद वापस निकल के नहीं आ रहा वापस से. हम लोग तुम लोगों को सजेशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और चीजें भारी है. अगर चीजें आसान ही होता तो फिर इतना इन वर्ल्ड में सबसे भारी एग्जाम क्यों बोला जाता है? नीट में इतना कॉम्पिटिशन टफ क्यों है? नीट में क्यों इतने लोगों से सुनते आ रहे कि नहीं कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है? ये कॉम्पिटिशन भारी है, आपको भारी चीजें ढेलनी है, मतलब ये भारी चीजें झेलते झेलते आपको काम करना है. क्यों नहीं तुम लोग एनटीएससी में सब लोग का एग्जाम क्लियर हो गया? अगर तुम्हारा 10th बोर्ड में इतना इतना 99-95% मार्क्स आया तो एनटीएससी में क्यों नहीं आया किसी का ये मार्क्स? क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाते हैं, जब कॉम्पिटिशन के बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं करें, फ्री स्टाइल में सबको नंबर मिल रहा है, जब कॉम्पिटिशन की बात करते तो एक लिमिटेड सीट्स में लोग बैठे हुए, तुम्हारे मेडिकल में 17 लाख लोग, मतलब 16 लाख लोग अपियर होते हैं, 16 लाख लोग में समझ रहे, मतलब आपको 10,000 के अंदर आना है.
कितना मुश्किल चीज है, वरना गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS नहीं मिलेगा। तो इस वजह से तुम लोगों को क्लास एब्सेंट नहीं करना है। लास्ट क्लास में हम सुनाया था तुम लोगों को, अभी अभी देख रहे हैं कि लास्ट क्लास में तो आया नहीं था तुम्हारा, क्या नाम है ये, आदित्य कौशल तो आया नहीं था लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में RCB के मैच का वो डाल रहा है स्टेटस। मजा आता है सब चीज करने में, बट दो साल का जब लगेगा ना कि 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया और दूसरा स्टूडेंट लोग मेरे सारे दोस्त लोग कुछ कुछ अच्छे जगह पे चले गए, तब बुरा फील होगा। फिर बुरा फील करा के भी कुछ नहीं होना है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बार टाइम निकल जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, करने का मन भी नहीं होगा हम लोग का, और कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लास्टली फिर ये कि चलो ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करना बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, वही दो साल की फिर से एक साल पढ़ो, एक साल में कैसे पढ़ सकेंगे यार आप दो साल की चीजों को, और वही चीज दोबारा पढ़ना है, कितना मुश्किल चीज है, एकदम बिल्कुल बोरियत वाला चीज है। ऐसा काम मत करो, टाइम है तुम लोगों के पास, अच्छा मौका मिल गया तुम लोगों को लॉकडाउन का, आराम से फायदा उठाओ चीज का। चलो खैर, जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में जो यहाँ पे बोले हम लोग अंडरगोज मिक्सिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जो सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो मिक्सिंग में जाएंगे, और मिक्सिंग में जाने के बाद नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराएंगे, जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। इसमें एक पार्ट आगे ऐड कर लो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू मिक्स्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म, न्यू मिक्स्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म आर कॉल्ड एज अच्छा ये तो हम लिखवा चुके सॉरी सॉरी ठीक है इसको लिखने की जरूरत नहीं है ये लिखवा चुके फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये तो हम लोग पहले लिखवा चुके हैं इस चीज की लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है ये हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं इस पॉइंट का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बस ये छोटा सा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन जिसके लिए हम लोग ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं लेकिन जो पॉइंट तुम लोग को ध्यान रखना है उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ मेंशन करते चले जा रहे हैं और ये सारे पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट सीधा सवाल में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तो नोट में इन सारे पॉइंट्स को लिखते चले जाना हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है उन सब चीजों का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है नोट में पॉइंट मेंशन करते जाओ सबसे पहला पॉइंट हाफ फिल्ड फुली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो फुली फील्ड ऑर्बिटल हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब मिक्सिंग में ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जा सकते हैं सबसे पहला पॉइंट ये अपने को ध्यान रखना है सेकेंड पॉइंट टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग mixing total number of atomic orbitals undergoing mixing is equal to the total number of hybrid orbitals formed is equal to the total number of hybrid orbitals formed. जितने orbitals mixing में जा रहे हैं, exactly उतने ही hybrid orbital का formation होगा. इस point का क्या मतलब है? इसको हम लोग आगे mention करने वाले हैं. Third point. और ये point चाहे तो star mark कर ले सकते हैं. इस point के ऊपर हम लोग आगे एक छोटा सा application भी discuss करेंगे. एक सवाल होता है जो हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम लोग उसको एसोसिएट कर सकते हैं ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल अंडरगो मिक्सिंग विच हैव सेम और नियर बाई
सेम एनर्जी, उन्हीं ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा जिनका एनर्जी आइदर सेम होगा या फिर नियर बाई सेम होगा। फोर्थ पॉइंट वाले पार्ट को भी हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है और मल्टीपल फॉर्म में पूछा जा सकता है। ऑर्बिटल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन can undergo mixing preferably. वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका ओरिएंटेशन वाला पार्ट ठीक ठीक दे रखा होगा। अगर ओरिएंटेशन वाला पार्ट सही नहीं दे रखा होगा तो फिर ऑर्बिटल्स वाले पार्ट मिक्सिंग में नहीं जाते हैं, इस एक चीज का भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। ऑर्बिटल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन अंडरगो मिक्सिंग। अब इस पूरे पार्ट में जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है हाफ फिल्ड फुली फिल्ड, इसका क्या मतलब है ये हम लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में देखेंगे पहला चीज। बट जो दूसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग मिक्सिंग, इसको अभी डिस्कस करेंगे। और ओनली दोज ऑर्बिटल जिनका एनर्जी नियर बाई सेम है, इस पॉइंट का डिस्कशन भी हम लोग आगे बाद में करेंगे। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट की प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका क्या मतलब है, इस चीज का भी डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, तो बस अभी केवल सुनना, इस चीज को नोट मत करना। हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल है उसको एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, दूसरे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एसपी टू बोलते हैं, तीसरे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एसपी थ्री बोलते हैं, चौथे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एसपी थ्री डी बोलते हैं, पांचवें टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एसपी थ्री डी टू बोलते हैं, और छह ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जिसमें से छठे वाले पार्ट को हम लोग एसपी थ्री डी थ्री बोल सकते हैं। Although sp3d3 भी अपने काम का नहीं होता है, तो बेसिकली पांच हाइब्रिडाइजेशन अपने काम के हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3, d3 वाला पार्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं मानता है। जब भी कभी कोई एक एटम होगा तो उस एटम के वैलेंस शेल में हम लोगों के पास हमेशा एक s ऑर्बिटल होगा, उसके अलावा तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं और पांच d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक चीज देखो, हर एक नाम में एक ही एस है, केवल एस, एस के नीचे टू नहीं लग रखा है। टू नहीं लग रखा है मतलब यहाँ पे वन है, एस वन पी वन, दूसरे वाले केस में एस वन पी टू, तीसरे वाले केस में एस वन पी थ्री, एस वन पी थ्री डी वन, फिर उसके बाद एस वन पी थ्री डी टू, एस वन पी थ्री डी थ्री। तो ये जो वन वाला पार्ट है, इस वन वाले पार्ट को नॉर्मली हम लोग डिनोट नहीं किया करते, अगर कुछ नहीं दे रखा मतलब बाई डिफॉल्ट वन है, वहां पे मान के चल सकते हैं। तो जैसे एस का एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए एस में वन से ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकता। पी में टोटल तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए पी में एक ऑर्बिटल हो सकता है, दो ऑर्बिटल हो सकता है, तीन ऑर्बिटल हो सकता है। फिर जैसे ही तीन खत्म हो गया, तो तीन के बाद हम लोग का पी अब चौथा नहीं हो सकता, मतलब एसपी फोर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके बाद हम लोग डी का नंबर मेंशन करते हैं। D वाले पार्ट में D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4, D5 हो सकता है, लेकिन D3 के बाद D4, D5 जाना जा पाना पॉसिबल नहीं होता उतना इजीली, इसलिए अपना काम करना ही होता है। मोस्टली हम लोग D3 तक की बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में जो हम लोग का नोमेनक्लेचर होता है, वो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपने नाम में कितने टाइप के एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल वाले पार्ट को यूज करते हुए चल रहे हैं। कितने टाइप के ऑर्बिटल वाले पार्ट को यूज करने का मतलब कि एस वाले पार्ट का एक ऑर्बिटल यूज किया, पी वाले पार्ट का एक यूज किया कि दो यूज किया कि तीन यूज किया, डी वाले पार्ट का एक यूज किया कि दो यूज किया कि तीन यूज किया, उसके हिसाब से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अब इसमें जैसे जो सबसे पहला पॉइंट था आते उस पे, चलिए पहला नहीं दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एस पी डी एफ, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल undergoing mixing is equal to the total number of hybrid orbitals formed. जितने atomic orbital mixing में जाएंगे उतने ही hybrid orbitals का formation हो रहा है, ऐसा हम लोग mention करते हुए काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों का एक s orbital एक p orbital के साथ mixing में जाएगा, तो एक s और एक p को हम लोग s1 p1 बोल सकते हैं, simply sp hybrid orbital बोल सकते हैं। अगर एक s orbital और एक p orbital गया तो sp hybrid orbital, और दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, तो अगर दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है।
अगर मान लो, और उसमें भी एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक मिनट, एक और चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को इस चीज में, कि जो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट मेंशन भी कर रहे हैं, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का एक तरीका होता है, इस टाइप से दिखाया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, मतलब उसको ऐसा रखो या फिर ऐसा वर्टिकल रखो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब मछली टाइप का ऐसा शेप बोल सकते हैं, ऐसा दिखाने का तरीका होता है। तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है कि हम लोग 2 ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोगों का एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया, क्योंकि s में एक ही ऑप्शन है बट p में तीन ऑप्शन है, p में अगर तीन में से दो में गए तो हम लोगों के sp2 को नाम में मेंशन करेंगे कि p वाले पार्ट का 2 ऑर्बिटल है, तो sp2 अपना नाम हो गया। और क्योंकि टोटल एक ऑर्बिटल प्लस 2 ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया था, तो जब 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, मतलब इस तरह के हम लोग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। वो रहता ऐसा नहीं है, एटम तो एक ही है तो उसी के अलोंग रहेगा सारा का सारा, लेकिन लिख रहे हैं अभी के लिए हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोगों का एक एस ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया तो टोटल नाम हो जाएगा sp3, और टोटल 3 ऑर्बिटल p का और एक ऑर्बिटल s का मिक्सिंग में गया, मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद एक s ऑर्बिटल जब 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया तो नाम में sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। अगर एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल जब 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। हम लोग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ वाले पार्ट में 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल नोमेनक्लेचर के साथ मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को, बहुत ही सिंपल सा बेसिक पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। इसका मतलब क्या बोले, कैसा होता है कि नहीं होता नहीं मालूम, तो क्यों होता है अगर कोई रीजन तो हम लोग नहीं दे सकते। हाँ ये है कि हम लोग का मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है उस मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमको कोई थ्योरी डिफाइन करना है तो ये एक टाइप का कंसेप्ट है जो थ्योरी को ठीक ठीक डिफाइन कर पा रहा है कि एक मॉलिक्यूल इस तरीके से ही कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट को हम लोग सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं कुछ हद तक, तो इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं इस चीज को। जैसे मान लो कि हम लोग ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज तो मालूम पड़ गया था कि इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं क्या हम लोग, बोलो भी मिली, इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं क्या? नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते तो उसका शेप हम लोग कैसे बता पा रहे हैं कि ऑर्बिटल का शेप ऐसा होगा, तो वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं, और ऑर्बिटल्स वो रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप टू 95% होता है, मतलब 5% यहाँ भी रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ये हमको मालूम है। तो इस एक चीज को हम लोग एक कंसेप्ट के बेसिस पे, मतलब एक इमेजिनरी कंसेप्ट के बेसिस पे काम करके चल रहे हैं जो हमारे सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को ठीक ठीक जस्टिफाई कर रहा है, तो ठीक है सही मानते चल रहा है। तो इसका ये रीजन नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता ये भी श्योर नहीं है हम लोग कि ऐसा होता है, अगर होता है तो बोल सकते थे क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता नहीं मालूम, मान के चल रहे कि शायद ऐसा होता होगा इसके वजह से फिर ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं तो नोट करते जाओ नीचे वाले सारे के सारे पार्ट को। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स में कुछ डिफरेंस होता है क्या? प्योर ऑर्बिटल में इस तरीके का शेप होता था क्या? अच्छा। ये बताओ। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, और दूसरा एक और चीज होता है, अभी आएंगे आगे उस चीज पे हम लोग।
एक लोग छोटा और एक लोग बड़ा बस शो करने के लिए, या फिर सच में ऐसा ऑर्बिटल छोटा बड़ा हो जाता है? एक्चुअल में ऐसा होता है ऑर्बिटल का शेप, एक्चुअल शेप ऐसा कुछ माना जाता है। किस टाइप का शेप माना जाता है? बीच में न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के एक तरफ लोब, और ऐसा होता है ऐसा माना जाता है। ये तुम्हारे बुकलेट में दे भी रखा, बुकलेट में तो एकदम बिल्कुल स्क्वायर के टाइप का ऐसा दे रखा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा गलत दे रखा है, ये नहीं होता, तो थोड़ा यहाँ पे ऐसा कर्व टाइप का पार्ट होता है, ऐसा शार्प कॉर्नर रह जाता, बट हम लोग उसको हमेशा ऐसा दिखाएंगे तो उस तरह का डायग्राम बनाना हेडेक है, तो इसलिए सिंपली इस तरीके से दिखा दिया करते हैं। चलो तो सबसे पहला चीज ये कि हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, ये हम लोगों को पहले मालूम करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, ऑर्बिटल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन अंडरगो मिक्सिंग प्रेफरेबली, ये भी पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है तो कुछ सोच समझ के ये कंसेप्ट बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसमें लिख देते हैं हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग अभी जस्ट ऊपर मेंशन किए थे कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर मान लो कि हमको एक s ऑर्बिटल और अगर एक p ऑर्बिटल चाहिए, तो हम लोग के पास p ऑर्बिटल में तो बहुत सारा ऑप्शन पॉसिबल है कि हम लोग px ऑर्बिटल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल चाहिए तो px py pz तीन p ऑर्बिटल होता है, तो px को यूज कर लिया, या फिर py को यूज कर लिया, या फिर pz को यूज कर लिया, मतलब s के साथ py यूज कर लिया, या फिर s के साथ pz यूज कर लिया, तीनों में से कोई भी मिक्सिंग यूज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि s वाला पार्ट स्फेरिकल है और p वाला पार्ट डंबल शेप। अब ऐसा डंबल हो या फिर ऐसा डंबल हो या फिर z डायरेक्शन में डंबल वाला पार्ट हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो जाएगा, मिक्सिंग हर जगह से हो सकता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो दो p ऑर्बिटल चाहिए, मतलब s ऑर्बिटल के साथ दो p ऑर्बिटल, तो अपने पास px है और py है और pz है, तो मान लेते हैं px और py चला गया, या फिर s के साथ px और pz चला गया, या फिर s के साथ py और pz मिक्सिंग में चला गया, तो ये सब कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर sp3 रहा तो हम लोग को तीन p ऑर्बिटल चाहिए, तीन p ऑर्बिटल वाले पार्ट का मतलब है s plus px plus py plus pz, ये तीन p ऑर्बिटल चाहिए, ऐसा हम मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं, ये हम लोग को कंसिडर करना है, px py pz ये तीन p ऑर्बिटल्स को मेंशन कर रहा है। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन बनाना रहा तो ये करेंगे, sp2 रहा तो ये कर सकते हैं, sp3 रहा तो ये कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम लोगों का sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहा, इस चीज से पॉइंट ध्यान रखना जरूरी होता है, यहाँ के हाइब्रिडाइजेशन को याद रखना पड़ेगा, s के साथ px और py तो जाता है मिक्सिंग में, मतलब मिक्सिंग पूरे ऑर्बिटल का एक साथ हो रहा है, लेकिन प्रेफरेबली ये तीन ऑर्बिटल एक साथ मिक्सिंग में जाएंगे, और उसके अलावा जो pz ऑर्बिटल है उसके साथ dz स्क्वायर वाला पार्ट मिक्सिंग में जाता है। d ऑर्बिटल्स में अपने पास पांच ऑप्शन होता है, dxy, dyz, dxz, या फिर dx स्क्वायर - y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये जो dz स्क्वायर है, इस चीज को हम लोग प्रेफरेबली यूज करते हैं, और उसमें भी pz वाले पार्ट के साथ मिक्सिंग करने के लिए यूज करते हैं। एक ये पार्ट ध्यान रखना है, और सबसे लास्ट पार्ट भी हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे लास्ट पार्ट आ गया अपने पास sp3 d2। इस केस में s के साथ px, py और इसके साथ ही साथ dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला पार्ट, कि जो हम लोग पॉइंट लिखे थे ऊपर, वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका ओरिएंटेशन प्रेफरेबली सेम टाइप का है। तो इस केस में एक ये पार्ट हम लोग मिक्सिंग में यूज किए, उसके अलावा हम लोग pz वाले पार्ट के साथ dz स्क्वायर को अभी भी मिक्स कर रहे हैं। तो ये अपने ओरिएंटेशन के पार्ट को ध्यान रखना है। सवाल जब भी पूछेगा तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि हम लोग का सवाल में ये मॉलिक्यूल है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हो रखा है, ऐसा लिखना होता है। नोट करो इस चीज को, और इसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे। इसको याद रखना, ये फैक्ट को बिल्कुल याद रखना ही रखना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ही होता है। s ऑर्बिटल हर जगह क्यों मिक्स हो रहा है? हर जगह क्यों मिक्स हो रहा है मतलब? सर मतलब सब में s है ही, s का होना कंपलसरी है क्या? हाँ, s के बिना तो नाम ही नहीं दे पा रहे ना हम लोग। वैलेंस शेल में सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? s ऑर्बिटल, तो इसलिए सब जगह पहले s मेंशन किया है। फिर उसके बाद p का नंबर आया तो p को मेंशन किया, फिर उसका d का नंबर आया तब d को मेंशन किया।
एफ मिक्सिंग में नहीं जाता है सर? एफ मिक्सिंग में जा सकता था लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये जो पॉइंट है इसके वजह से भी एफ ऑर्बिटल मिक्सिंग में नहीं जाता है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग एफ को हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, बट अदरवाइज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट ऐसे हैं जिसको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है, मान के चल रहे हैं हम लोग, वो सही है कि गलत है नहीं मालूम, बट मान के चल रहे हैं ऐसा ही होता है और याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है। इसको नोट करने के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस एक चीज की बात करेंगे, और उसके बाद फिर से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे कि इन सब पॉइंट्स के अलावा और क्या क्या पॉइंट्स अपने को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हम लोगों के इस क्या बोलते हैं टॉपिक वाले पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। चलो ध्यान दो, एक तो एनसीईआरटी में एक तरीका दे रखा है जो अपने को मालूम होना चाहिए, बस ये टर्म हम मेंशन कर रहे हैं, ये तरीका अपने को करना नहीं है कुछ। जैसे एनसीईआरटी में एक तरीका ऐसा दे रखा है स्टेरिक नंबर रूल, एक सेकंड को, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में एनसीईआरटी में जो तरीका है वो इस टाइप का दे रखा है कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने भी सिग्मा बॉन्ड है और जितने भी लोन पेयर है उन सब को हम लोग एड अप करके आराम से स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं एक सेंट्रल एटम पे। इसमें केवल सेंट्रल एटम से मतलब है सेंट्रल एटम के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है ऐसा हम लोग मेंशन करेंगे। अगर स्टेरिक नंबर वाला पार्ट 1 के बराबर हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर 2 के बराबर हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 हुआ तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप से वर्ड मेंशन किया करते हैं। तुम लोगों को ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन में ये पार्ट नोट कर लो, नॉलेज के लिए नोट कर लो कि कभी कल को स्टेरिक नंबर पूछ दिया गया इन केस व्हाट इज स्टेरिक नंबर तो आराम से आंसर बता पाए, इसके लिए नोट कर लो इस चीज को। और कैलकुलेशन कैसे करना है हाइब्रिडाइजेशन को इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, नोट कर लो इस चीज को।
चलो ध्यान दो, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली केवल कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे मान लो अगर PCl5 दे रखा, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाओ। अगर PCl5 का लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो स्ट्रक्चर विथ लोन पेयर हमेशा बनाना है, बिना लोन पेयर के आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड को एस बोल दो, और एस बोलने के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एस के बाद जो अगला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा वो P1 होगा, फिर अगला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर P2 होगा, अगला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर P3 होगा, और अगले वाले पार्ट को P4 बोल नहीं सकते, तो इस केस में फिर हम लोग यहाँ पे D1 वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। और जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसके बाद तो अगला कोई नंबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन में sp3 के बाद D यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर रहे हैं, अपने सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, जैसे मान लो POCl3 वाला पार्ट दे रखा, तो अगर POCl3 दे रखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, तो हम लोग कहीं से भी काउंटिंग शुरू करें उससे दिक्कत नहीं है। S हाइब्रिडाइजेशन, S के बाद फिर अगला सिग्मा बॉन्ड P1, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अपने काम का नहीं होगा, तो इसके इसमें यहाँ पे नंबर P2 और उसके बाद फिर P3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आराम से sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। मान लो अगर ये मॉलिक्यूल दे रखा SF4 या SOCl2 ले लेते हैं, SOCl2, तो SOCl2 वाले पार्ट में S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन वाला पार्ट होता है, और इसमें एक लोन पेयर भी होता है, तो कहीं से भी काउंटिंग शुरू करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल सिग्मा बॉन्ड और केवल लोन पेयर को देखना है। तो S के बाद P1, लोन पेयर का नंबर P2 और यहाँ पे P3, मतलब सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर ये मॉलिक्यूल दे रखा I3-, तो I3- वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आयोडीन के ऊपर 2 आयोडीन होता है और सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में चला गया मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर बोल सकते हैं। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन में S, S के बाद P1 हाइब्रिडाइजेशन, P2 हाइब्रिडाइजेशन, P3 हाइब्रिडाइजेशन और D1 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 डी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर XCF6 दे रखा, तो XCF6 वाले पार्ट में ज़ेनॉन सेंट्रल एटम है और अपने पास 6 फ्लोरीन के बॉन्ड्स दे रखे हैं, अगर इसको कंसिडर करते हुए चले तो ज़ेनॉन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, तो अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में sp1 p2 p3 d1 d2 d3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर किया जा सकता है। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। जैसे मान लो H2SO4 दे रखा, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और OH, अगर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो किसी को भी S बोला, और सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, तो S के बाद P1 P2 P3 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 कंसिडर कर लिए, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में भी काउंटिंग कर सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट S, फिर उसके बाद P1 P2 P3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मल्टी सेंट्रल एटम है तो मल्टी सेंट्रल एटम में हम लोग अलग अलग सेंट्रल एटम का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मतलब अगर हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा इस सल्फर वाले पार्ट का, तो हम लोग सिंपली केवल एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अलग लिखेंगे, दूसरे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अलग से लिखेंगे। तो पहले वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे वाले सल्फर का अगर लेंगे तो sp1 p2 p3 यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग के हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, जिसको जो भी डाउट है आराम से पूछ सकता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने वाले पार्ट में कोई भी डिफिकल्टी है तो। एग्जांपल्स हम लिखने नहीं दे रहे, बस बताया तरीका तुम लोगों को। हाय अंकित, कोई डाउट है? ये तो मतलब समझ नहीं आया कैसे कर दिए, कैसे कर दिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सारा समझ नहीं आया, और एक हल्का सा बता दीजिए कैसे कैलकुलेशन कर दिए। यस सर। अच्छा, हम क्या क्या स्टेप बोले, ये स्टेप पता चला? नहीं सर। तुमको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का आइडिया है? सिग्मा बॉन्ड, जल्दी बोलो, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इसका आइडिया है?
ये तुम्हारा नया एडमिशन हमको जहां तक पता है, नहीं आइडिया इस चीज का ना, तो अगर इसका आइडिया नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा ये चीज। जो लेक्चर्स हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में 1 से लेकर 6 तक का, उन लेक्चर्स को एक बार देखो, उन लेक्चर्स में जो भी डिफिकल्टी है उसको पूछने की कोशिश करो, केवल उसको देखना है, उसको नोट नहीं करना है कुछ भी, बस केवल देखते चले जाओ, एक बार सुन के देखो कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर ये सारी चीज उसके बाद ही समझ में आ पाएगी। अगर तुमको इसका बेसिक्स नहीं मालूम कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो इतना देर से सिग्मा बॉन्ड बोल रहे तुमको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, बीच लेक्चर में आएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, मूवी के बीच में आ जाएंगे बोलेंगे हमको मूवी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे थोड़ा ना समझ में आता है। तुमसे आज हम बात करते हैं, एक बार तुमको हम बता देंगे कौन कौन सा लेक्चर देखना है, ठीक है? ओके सर। ओके, बाकी कोई और डाउट किसी को? सर साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दे दीजिए ना। किसका? साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल जैसे मान लो ये दे देते B3N3S6, B3N3S6 का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में जैसे अगर मान लो कि हम लोग बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन में कोई लोन पेयर नहीं होगा, अगर लोन पेयर वाला पार्ट नहीं है इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन होगा आराम से, यार इनफैक्ट इसमें नाइट्रोजन में भी लोन पेयर वाला पार्ट नहीं रहेगा, एक काम करते हैं हम कार्बन की बात कर लेते हैं, ज्यादा तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन वाले स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, और सबके कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन डाल दिया ताकि हम लोग का साइक्लोहेक्सेन बन गया। एक चीज बताओ, मान लो ये सबसे ऊपर वाला कार्बन लेके चलते हैं जिसको रेड से मार्क किया, इस कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो 4 दिख रहा है, तो एक सिग्मा बॉन्ड S, उसके बाद P1, फिर P2, फिर P3, दूसरा कार्बन S, P1, P2, P3, उसके आगे वाले पार्ट में S, P1, P2, P3, तो हाइब्रिडाइजेशन में बस क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, पहला सिग्मा बॉन्ड जहां से मिला वहां से काउंटिंग शुरू करो और घूम के वहीं पे आना है, तो उससे पहले तक वाले पार्ट के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना है। और कोई डाउट बताओ भाई, और कोई डाउट किसी को? अगर डाउट नहीं है तो फिर टाइम तो हो गया है, अच्छा नहीं टाइम अभी नहीं है, 4:30 ही तो बजा अभी। डाउट नहीं है तो तुम्हारे बुकलेट में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है तुमको कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर तुम लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चंस को ट्राई आउट करते चले जाना है। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं, तुम लोगों को सब्जेक्टिव वाले से भी हम होमवर्क देंगे। कहा है भाई मेरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उससे पहले पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कितने है भाई? हाँ ये तो हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन नंबर 120 के बाद है। हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखो, जैसे एक मिनट ज़ूम करने दो इसको, लो बढ़िया दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 122 वाले पार्ट में पूछा है द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो अभी एक फैक्ट लिखवाया था कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसके साथ PX और PY मिक्सिंग में जाता है, और उसके अलावा PZ के साथ DZ स्क्वायर जाता है। तो सीधा सवाल देखो यहाँ पे, द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d वाले पार्ट में DZ स्क्वायर होता है, इसके मतलब सेकंड ऑप्शन आराम से आंसर कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। यही बोला है कि इन सब फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते कि दिमाग लगा के ऐसा सुन, दिमाग लगा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर ये फैक्ट याद नहीं होगा तो तुरंत नहीं सोच पाएंगे इसका आंसर क्या होगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले वाले केस में DZ स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो SCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो इस केस में जो कार्बन वाला पार्ट है इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करें तो क्या निकल के आएगा? तो इस कार्बन वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड तो ऊपर एक ही है S, फिर P1, फिर P2, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या चाहिए sp3, ये तो अपना आंसर नहीं हो रहा। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना के काम करें तो H2NC double bond O, यूरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, C double bond O NH2NH2, तो इसीलिए यहाँ पे H2N का होल ट्वाइस CO दे रखा है। तो अगर यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखे तो S, फिर P1, फिर P2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी अपने आंसर नहीं होगा।
थर्ड वाले स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में दे रखा है सी एस टी होल ट्वाइस सी एच, तो सी के ऊपर दो सी एस टी वाला पार्ट दे रखा सी एस टी होल ट्वाइस, फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और यहाँ वाले पार्ट पे ओ एच, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो एस पी वन पी टू पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एस पी थ्री, इसका मतलब ये अपना आंसर होना चाहिए। बट फिर भी फोर्थ वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इस केस में सी एस टी C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दे रखा, तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कार्बन वाले पार्ट में S फिर पी वन और यहाँ पे पी टू, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक चीज है कि यहाँ जो सी एस थ्री है इस सी एस थ्री का हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा। अब इसको माइंड में भी सोच सकते हैं कि जब सी एस थ्री दे रखा उसमें कार्बन एक कार्बन से बॉन्ड बना रखा है और तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, तो हाइड्रोजन से तो सिग्मा ही बॉन्ड बना पाएगा, तो एक कार्बन का बॉन्ड हो गया और तीन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, टोटल चार, तो एस P1, P2, P3, मतलब टोटल मिला के sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सवाल में ये बोला है कि स्टार्ड कार्बन एटम वाले पार्ट जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो पाएगा, तो इस केस में ऑप्शन थर्ड कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अगले सवाल में शेप तो अभी बात नहीं कर सकते, शेप हम लोग के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। खाली शेप का सवाल दे दिया है जी, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल कम दिया है, केवल शेप का सवाल दे दिया है। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं ये भी शेप का ही सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 143 ट्राई करके देखो खुद से, अभी ज़ूम कर लेते हैं इसको, ट्राई करके देखो 143। फोन में ठीक साइज दिखाई देता है तुम लोगों को? हाँ ठीक ही है, ICl2+ पहले तो लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, लेविस स्ट्रक्चर बनने के बाद ही हम लोग शेप की बात कर सकते हैं, जब तक लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक शेप नहीं बना सकते। और जिनको लेविस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है वो प्रैक्टिस करो, उन लोगों को असाइनमेंट दे रखा है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं आने वाला। ICl2+ के स्ट्रक्चर में आयोडीन सेंट्रल एटम है, दो क्लोरीन वाला पार्ट साइड में आएगा और आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया 4 बच जाएगा, तो आराम से 2 लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 लोन पेयर वाला पार्ट हो गया और उसके अलावा 2 हम लोग के पास बॉन्ड पेयर वाला पार्ट हो गया, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो आयोडीन वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं इसमें एस P1, P2, P3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में sp3 कंसिडर किया जा सकता है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 में कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला पार्ट है बहुत ही सिंपल सा है, सवाल का तुम लोगों को मतलब समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब अपने नोट्स कॉपी में होमवर्क फटाफट नोट डाउन करते जाओ और जिसको भी जहाँ कहीं भी डाउट होगा आराम से बेहचक पूछते चले जाना, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट को फिर से हम लोग थ्योरेटिकली कैसे क्वेश्चंस का फ्रेम कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, और शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात, सॉरी शेप वाले पार्ट की हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्वेश्चन में ये सब तो हम लोग होमवर्क दे चुके, उसके बाद एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में
क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 114, 115, 123, 124 ट्राई करके देखना, ऑल्दो इसका पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट एक बार सोच के देखना, सवाल बहुत सिंपल सा है। 124 उसके बाद एक्सरसाइज टू वाले पार्ट में, एक्सरसाइज टू ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन, 30 32, 34, 36। ये नाम ध्यान रखना, विनाइल कटायन, विनाइल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। 36, 37, 38, 39। 39 क्वेश्चन को स्टार मार्क भी करके रख सकते हैं, छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो चीज है सॉलिड स्टेट में PCl5 ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार मार्क करके रखना। फिर 39 के बाद 40, 41, उसके बाद 42, 43, 43 के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 तक ही क्वेश्चन, नहीं एक सेकेंड, 53, ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में, इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और उन सब पॉइंट्स के बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में कैसे हो सकता है इस एक चीज का डिस्कशन करेंगे, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वाले पार्ट के बाद फिर लोग शेप वाले पार्ट और ज्योमेट्री वाले पार्ट की बात करेंगे, जो तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि उस शेप वाले पार्ट से एसोसिएटेड सारा चीज रहता है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, लेविस स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें एकदम मस्ट है, इन तीनों के बिना हम लोग कभी भी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं सीख सकते हैं। इन तीनों पार्ट को अपना ढंग से डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में, एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते चले जाएंगे। होमवर्क बना करके आना, होमवर्क के बाद देखते आगे क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो।
हाइब्रिड क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? हाइब्रिड क्लासेस यार, क्लासेस तो ऑफलाइन बोले तो राज्य सरकार कब परमिशन देता है थोड़ा ना मालूम हम लोगों को। हाँ ये है कि हम लोग डाउट क्लासेस वगैरह शुरू करने का प्लान कर रहे हैं 15 या 16 अक्टूबर से। जिसको भी डाउट लेना होगा ऑफलाइन आकर के डाउट ले सकता है। बट अगर हमको ऐसा लगता है कि रिस्की है, क्योंकि जहाँ कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है वहाँ पे केसेस होने शुरू हो गए, मतलब वहाँ पे लोग कोचिंग्स वगैरह में जाना शुरू किए, जैसे केरला वगैरह में फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। तो केरला में लॉकडाउन हटाया गया था, क्लासेस शुरू कर दिया गया था और अभी वहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं। तो वो चीज़ न्यूज़ में आ नहीं रहा है उतना, लेकिन फिर भी पता चल जा रहा है हम लोगों को।